हेलो गाइस, वेलकम बैक, दिस इज जोगेंद्र यादव। थैंक्स फॉर सब्सक्राइब माय चैनल एंड लविंग सपोर्ट। दोस्तों, आज हम आप लोगों को आर्म रेसलिंग टॉप रोल पुली ट्रेनिंग के बारे में बताएंगे। इसके लिए आप इस प्रकार का कोई भी कपड़ा यूज कर सकते हैं, इसको बीच में से बांध लेकर, और आपको किस प्रकार से इसको लेना है। फर्स्ट स्टेप आपको इसकी रिस्ट में ले लेगा है, और दूसरा स्टेप आपको अपने थंब में पकड़ना है, और इसको बिल्कुल पंजे की जो पोजिशन होती है उस पोजिशन में खड़ा होना है, और ये 45 डिग्री का एंगल बनाना है, 45 डिग्री। अब हम आपको एंगल लगाकर दिखाएंगे। मैं खड़े हो गए आप, अपनी एल्बो इस प्रकार रखी कॉर्नर पर। जब आप पुल करते हैं तो अपनी एल्बो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर जाना चाहिए, और जो अपना एंगल होता है 45 डिग्री का, तो 45 डिग्री का ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि अपन जब पुल कर रहे हैं तो अपना ये एंगल 45 की जगह 60 डिग्री हो जाए, वो बेकार है। 45 डिग्री से पुल कीजिए, वेरी गुड, पुल कीजिए, वेरी गुड। इस प्रकार से आपको बिल्कुल पंजे की पोजीशन रखना है, और पुल करते टाइम अपना बॉडी वेट भी डालना है। ऐसा नहीं हो कि अपना सिर्फ हाथ जाए, ओनली हाथ नहीं जाना है। आर्म रेसलिंग में क्या होता है, टॉप एंड टेन की टॉप होता है जो अपना, वो पूरा पुल होता है, पूरी बॉडी पुल होती है, टॉप के साथ पूरी बॉडी पुल होती है। हम आपको पूरी वर्कआउट दिखाएंगे किस प्रकार से कितना वेट लगाया जाता है, और कितना वेट लगा सकते हैं जब हैवी वेट हो जाता है। इस लॉक की जगह हम इस लॉक का भी यूज कर सकते हैं। Thank you.